कितना अच्छा लगता है ना साफा या पगड़ी पहनना, किसी दोस्त या परिवार की शादी में साफा पहनकर शरीक होना। पर क्या आपने कभी साफा बनते देखा है? राजस्थान में साफा पगड़ी को आन बान शान माना जाता है। पुराने समय से ही राजस्थान में साफा पगड़ी पहनने की परंपरा चली आ रही है। आज भी लोग शान से यहाँ पगड़ी पहनते हैं। राजस्थान के अलग अलग इलाकों में अलग अलग जातियों में अलग अलग पगड़ियाँ पहनी जाती हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में शादी हो, कोई धार्मिक कार्यक्रम, यहाँ पगड़ी के बिना उसे अधूरा ही माना जाता है। जयपुर के चार दीवारी बाजारों में साफे पगड़ी की खूब दुकानें हैं और यहाँ लोग इन्हें अपने हाथों से बनाते हैं। जयपुर की छोटी चौपाड़ पर कई साल से पगड़ी बनाने का काम कर रहे मोहम्मद शरीफ बताते हैं कि वो चार पीढ़ियों से ये काम कर रहे हैं। राजा महाराजाओं के साफे से लेकर विवाह के साफे पगड़ी, जोधपुरी साफा, उदयपुर की पग या जयपुर पगड़ी का काम वो बखूबी करते हैं। हमारा ये काम चार पीढ़ियों से चल रहा है। चार पीढ़ियों से हम यहीं चौपट पे बैठे हुए हैं। हमने कई प्रकार के साफे, जैसे अपने राजा महाराजा के साफे अलग बनते हैं, दूल्हों के साफे अलग होते हैं, गजवाड़ी पग अलग होती है, जोधपुर की पग अलग होती है, उदयपुर की पाक अलग होती है, सब अलग अलग दिशा की अलग अलग पगड़ियाँ होती है। और ये काम हमारा चार पीढ़ियों से यहीं काम हो रहा है। हमारा गिनीज बुक में वर्ल्ड पे रिकॉर्डिंग पे नाम है, बाहुबली साफी बांधने वाला हनुमान जी का रास्ता, बिहोज जी का कटला, फ्रेंड पेज पे साफे। भैया देखो 50 रुपये से लेके 500 रुपये तक का साफा है। और शादी ब्याह में ऑर्डर पर साफे बांधने भी जाते हैं, जिसमें पग 150 रुपये किराया और साफे के ऊपर पैसा होता है। शादी ब्याह में बहुत आते हैं, जैसे अब हम सुबह से लगे हुए हैं, शाम को 8:30 बजे तक लगे रहेंगे। जिसका भी जितना माल बनेगा सब दुकानदारों को सप्लाई हो जाएगा।